नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? क्या नाम है आपका? अनिल है, मैं कर्नाटक से आया हूँ। अनिल है जो कर्नाटक से आए हैं और एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहूंगा। तो अनिल जी, जैसा कि आप कर्नाटक से इतने दूर से आए हैं, वो भी इतने छोटे शहर में, जबलपुर जैसे शहर में, जबकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इतने बड़े बड़े शहर हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो आप क्या सोच के वो सारे इंस्टीट्यूट छोड़ के, जो जिनकी कई सारी ब्रांचेज भी हैं, तो उनको छोड़ के आप इस इंस्टीट्यूट में आए एशिया टेलीकॉम को, वो चुनने का कारण आपका क्या था? सर, मैंने तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट घूम चुका हूँ सर, नहीं तो एडमिशन के लिए नहीं सर, मैं इंक्वायरी के लिए दो तीन इंस्टीट्यूट पे घुमा था। वहाँ पे तो बोले कि पहले एक प्रैक्टिकल चलेगी, बाद में पहले थ्योरी चलेगी, बाद में प्रैक्टिकल, यहाँ दोनों एक साथ साथ ही चलेगी सर। मानो कि सर 100% जो यहाँ पर प्रैक्टिकल चल रही है सर, मुझे मैं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, देखिए क्या है कि ये कर्नाटक से फ्रेंड्स और इनको हिंदी पूरी तरीके से नहीं आती, इसलिए इनको बोलने में दिक्कत हो रही है और मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए ठीक है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल मिला, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने जो एक अपेक्षा रखी थी यहाँ पे, मतलब कि हम जाएंगे वहां पे, हमें जैसे वीडियो देखा आपने कि यूट्यूब से, तो उस हिसाब से आपको क्या मिला या नहीं मिला, प्रैक्टिकल या थ्योरिकल जो भी आपने देखा वो मिला या नहीं? बहुत ज्यादा मिला है सर, मैंने सोचा था कि यार मैं थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो मैं कोई 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 दुकान में जाकर कोई कंपनी में काम कर लो, कोई सर्विस सेंटर में, मुझे इतना नॉलेज आएगा कि सर मैं अपने खुद का एक शॉप खोलूं, इतना नॉलेज आ गया सर। अभी हमको मिला भी 6 का 7 दिन हुआ है सर क्लास चालू हो गए और संडे, मगर 7 दिन में मैं इतना सीख चुका हूँ सर, कोई भी फॉल्ट हो सर ऑटोमेटिकली मैं फाइंड आउट करता हूँ, कर लूंगा सर, मैं इतना कॉन्फिडेंस आ गया है सर मुझमें। चलिए ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ 7 दिन हुए हैं, तो जैसे देखिए क्या होता है कि अभी जब इसके पहले आप आए रहे होंगे तो मन में कई सारी शंकाएं रही होंगी, तो आपको ये लगता रहा होगा कि मतलब एक महीने में हम क्या सीख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो अंदर इंस्टीट्यूट होती है 3-3 महीने के कोर्स कराते हैं, तो आपका क्या कहना है उस बारे में कि एक महीने में क्या वाकई में आप सीख पाएंगे या फिर जो आने वाले हैं वो सीख पाएंगे? यार 100% सर सब सीख पाएंगे सर, सुबह से चालू है शाम तक सर, शाम को सर रात भी क्लास रहती है सर, उसमें तो बहुत एक बार नहीं सर, दो तीन बार चार एक बार 10-10 बार भी रिवीजन होता है सर, वो तो पूरा दिमाग में बैठ जाता है सर। दूसरे इंस्टीट्यूट में सर 1-2 घंटा क्लास लेंगे सर, वहाँ के बाद छोड़ देंगे सर, वो जितना 1 घंटा क्लास रहेगी उतना याद है, बाहर चले तो चला जाए सर। यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, दिन भर भी क्लास, रात में भी रिवीजन सर, इसमें से जो भी आप एक भी बोलते हो सर वो पूरा दिमाग में बैठ जाता है सर। तो यहाँ पे और एक बात है सर, यहाँ पे आप नोट्स नहीं दिखाते सर, वही है, तो नोट्स लिखते हैं ना सर, हम लोग देखते हैं कि यार अभी सर भूल गए, बाद में चलो नोट्स निकालो, बाद में रिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं चल सर, तो नोट्स लिखने के लिए मनाई कर देते सर, जो भी है आपको दिमाग में बैठाने के लिए बोल देते सर सीधे बात। हाँ, आपको मतलब बना बनाए या तो नोट्स ही आ जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बैठा के लिखाया जा रहा है, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपको वो चीज दिमाग में बैठा दी जाती है और उसके बाद आपको एक ऐसा नोट्स भी दिया जाता है कि जो मतलब आपको लिखना नहीं पड़ता है ना, वो टाइम की बचत है, दूसरी आपको कहीं भूल भी गया अगर कुछ चीजें आप जानना चाहते हैं उससे भी आप नोट्स कर सकते हैं। तो मतलब आप क्या एशिया टेलीकॉम से सेटिस्फाई है? सर 100% सेटिस्फाई सर। थैंक यू। और ये मतलब हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ से हम उनको मतलब इस तरह इस काबिल बना देते हैं और यहाँ से जब जाते हैं, तो मतलब एक होता है ना कि अगर स्टूडेंट सेटिस्फाई है तो हम भी हैप्पी होते हैं कि हमने जितनी मेहनत की तो हमारी मेहनत सार्थक हुई। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऐसा होता सर, मेरी खुद की मोबाइल खोलने में बहुत दिक्कत आती है सर, मैं घबराता हूँ यार मैं मोबाइल खोल लूंगा तो कुछ बंद ना हो जाए, उसको ये हो जाए, अभी मैं इतना कॉन्फिडेंस हो गया हूँ सर, मेरी खुद की मोबाइल चालू, मोबाइल खोल कर भी जो भी टेस्ट करूँ वो सब टेस्ट करूँ, कोई फॉल्ट है तो उसका फॉल्ट का सोल्यूशन लगाऊंगा उसमें। अच्छा, तो मतलब देखिए फ्रेंड्स, इनके अंदर मतलब एक कॉन्फिडेंस का वो लेवल आ चुका है कि मतलब अब ये जो घबराते थे कि मोबाइल बंद हो जाएगी कुछ हो जाएगा, आज ये मतलब उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि कोई मोबाइल आप दे दिए, चालू मोबाइल दे दिए और ये डेड मोबाइल, कैसी मोबाइल, कोई फॉल्ट आ जाए तो ये बनाने के लिए तैयार है। ओके, थैंक यू। नमस्कार, আমি আপনার সামনে আমি স্যারে একটা বুক রিভিউ করতে চাই, এই বুকটা আমি কলকাতা থাকি,
বুকটা রিভিউ করতে চাই স্যার। এখানে এই বুকে আছে অ্যাডভান্স চিপ লেভেল স্যার, এশিয়া টেলিকম ইন্ডিয়া নাম্বার ওয়ান। এই বুকে হচ্ছে অ্যাডভান্স চিপ লেভেল ফোন রিপেয়ারিং শেখা হয় হার্ডওয়্যার, আর এর মধ্যে প্রচণ্ড প্রচণ্ড ডিটেলস যা আপনারা আদার্স কোথাও পাবেন না। যেমন এখানে ডায়াগ্রামের সাথে আপনার প্রচণ্ড প্রচণ্ড ডিটেলস, যে ডিটেলস অন্য কোনো ইনস্টিটিউট দিতে পারবে না আপনাদের, এবং প্রচণ্ড প্রচণ্ড ডিটেলস আছে। এবং আপনার অনেক বন্ধুরা আছে, আপনারা এখানে আসতে পারেন না, এখানে সময় থাকে না, টাকার বিনিময়ে তারা এই বইটা কিনে আপনারা বাড়িতে পড়তে পারেন। আর আমি মনে করি বেটার 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 ফিল হবে, বেটার এক্সপিরিয়েন্স আদার্স, মানে আর সবাই বুক থেকে অনেক বেটার এক্সপিরিয়েন্স হবে আর বেটার। আর আমি এখানে এসেছি এখানকার স্টুডেন্ট এই মাইনে, এটা হচ্ছে আগস্ট মাসে আমি স্টুডেন্টস, আর এই মাসে আমি এক মাস হয়ে গেছে আমার কোর্স শেষ হতে চললো। তা আমি এখন গর্ব করে বলতে পারি আমি এই স্যারের কাছে এক সপ্তাহ ধরে যা শিখেছি হার্ডওয়্যারে আদার্স কোনো ইনস্টিটিউট শেখাতে পারবে না। আর যদি আপনার কাছে আমার কথা মিথ্যা হয় তাহলে কোনো ইনস্টিটিউট থেকে ছেলে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দিন, আর আমার তার সামনে আমাকে প্রশ্ন করুন আর আমি তাকে প্রশ্ন করুন, দেখে দেবেন কার কে কতটা জ্ঞান পেয়েছে। অবশ্যই, থ্যাংক ইউ, নমস্কার। And ISO 9001 and 2008 Certify Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.